तो हेलो गाइस एंड गाइस, आज का प्लानिंग है। देखिए, ऐसे तो फर्स्ट टाइम मैंने बनाया हूँ, कभी इससे पहले कभी बनाया नहीं हूँ। सो आज प्लानिंग है कि बिरयानी बनाने का। ऐसे अचानक खाने का मन हुआ था, बट 1-2 घंटा तो लग जाएगा, 1.5-2.5 घंटा लग जाएगा लगभग, क्योंकि उसका प्रोसेस कंप्लीट करेंगे गाइस। ओके, तो अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास, जाके उस पर चावल भी लाना पड़ेगा, फिर चिकन लाना पड़ेगा, एंड इसके बाद जो भी आगे प्रोसेस सब कुछ करेंगे आपको दिखाएंगे। ओके, जब तक बाय। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हाय गाइस, अभी ही हम ले आए सब सामान, एंड चावल भी ले आए। चावल गाइस मुझे खुला भी मिला था, बट ये पैक वाला लिए मैं, इससे कम का मिला नहीं, तो हाफ केजी का था नहीं, तो 1 केजी का ले लिए। एंड ये बासमती चावल है, लग नहीं रहा यार बासमती चावल, हम उसको बोले तो बिरयानी चावल है दोस्तों। हाँ, बासमती राइस, यस राइट। ये आई थिंक फूलने का कोई प्रोसेस होता है, उसी हिसाब से रखेंगे तो ये फूलेगा। हाँ, इसको प्रोसेस में रख देते हैं फिलहाल, एंड चलिए रेडी। तो गाइस, यहाँ हम प्याज को रेडी कर रहे हैं। प्याज को थोड़ा काट लेते हैं, बारीकी से काट लेते हैं, नॉट बारीकी, थोड़ा सा लंबे लंबे काटते हैं, एंड इसको भून लेंगे काटने के बाद। एंड गाइस, मेरे पास तो मिर्ची पेस्ट करने का है नहीं, सो मैं मिर्ची भी काट लूँगा, एंड इसे इसे भी साथ में प्याज के साथ भून लूँगा। एंड गाइस, मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो कैसा लगे कैसा नहीं आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता। एंड ये यूट्यूब में देखे कुछ देर पहले, सो अचानक प्लानिंग बना। एंड गाइस, ये रहा चिकन। चिकन के बाद में इसे अदरक लहसुन का पेस्ट दे रहे हैं। एंड गाइस, इस जगह पे आपको मिर्ची का पेस्ट भी देना चाहिए था, बट मेरे पास मिर्ची का पेस्ट है नहीं, सो हम नहीं देख सकते हैं। एंड गाइस, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, सारा मसाला जो जो है वो चीज़ मिलाना चाहिए इसमें गाइस। एंड इसमें हम दो 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 पाउच दिए थे, एंड थोड़ा सा इसमें मिर्ची के बदले गाइस इसमें काली मिर्ची का पाउडर दे दिए थे, एंड नींबू भी दिए, एक टुकड़ा नींबू दे दिए। एंड गाइस, इसमें फिर मैं इसमें क्या दे रहा था, थोड़ा हल्दी दे दीजिए, एंड हल्दी के बाद धनिया भी दे सकते हैं थोड़ा बहुत मसाला में है। एंड गाइस, गरम मसाला जरूर दीजिएगा, एंड जीरा, ये अभी मैंने जीरा दिया था, एंड गरम मसाला दीजिए आप, बिकॉज मैं इसमें पूरा भूल गया हूँ और मेरे पास शायद नहीं था इसलिए, एंड जीरा दे दीजिए। एंड इसके बाद गाइस, ये लाल मिर्ची पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर दे दिए। एंड गाइस, एक कोई भी कलर आप दे सकते हैं, बिकॉज कलर दीजिएगा तो काफ़ी सुंदर उसका लुक आएगा देखने में, मतलब देखने वो काफ़ी सुंदर दिखेगा, सो मैं इसे कलर यूज़ कर दिया थोड़ा सा। एंड उसके बाद गाइस, आप थोड़ा बहुत धनिया मतलब कच्ची धनिया, आप कटा हुआ धनिया आप दे सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ मैं पूरा दही दे रहा हूँ, मैं एक छोटा पाउच जो 20-15 पीस का मिलता है वो पाउच पूरा दे दे रहा हूँ, थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूँ ओनली, ठीक है। एंड गाइस, जिसमें आप देखिए भूंजा हुआ प्याज को दे दे रहे हैं, हम पहले से इसको भून लिए थे काटने के बाद, एंड इसको आप हम पूरा अच्छी तरह से मिला लेते हैं गाइस। अब मैं यहाँ हाथ का यूज़ कर रहा हूँ, एंड नमक दे दीजिए आप, नमक स्वाद अनुसार, मतलब जिस हिसाब से उस हिसाब से आप दीजिए नमक, ठीक है। एंड अब मैं इसे हाथे से मिला रहा हूँ गाइस, ताकि हाथ से अच्छे तो अच्छी तरह से आप मिला लीजिए। एंड गाइस, क्या करें, आई थिंक मतलब मेरे बनाने का आदत है ना, खुद बनाते हैं, एंड नो दैट कि अकेले रूम में रहना थोड़ा बहुत ही लगता है, बट खाना बनाने का आदत हो गया ना, तो आज कुछ नया ट्राई किए थे, एंड करना पड़ेगा, अभी मजबूरी है गाइस, बिकॉज बाहर में रहते हैं, एंड फिर होटल्स में ज़्यादा क्या खाएं इसलिए खुद अच्छा। एंड गाइस, यहाँ पर कुछ गरम मसाला दे दिए हम, एंड आप दालचीनी गरम मसाला, वही गोटा गरम मसाला दिए थे, मेरे पास पाउडर था नहीं, तो आप पाउडर भी दे सकते हैं, गोटा भी दीजिएगा इसमें, ठीक है, आए वो फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा, इसलिए आप वो चीज़ देते हैं। एंड गाइस, गुलाब जल बिल्कुल दीजिएगा, ओके, गुलाब जल देने मत भूलिए। एंड देखिए गाइस, देने के बाद क्या ये हालत हो गया मेरा, हाथ का कलर देखिए, कलर्ड हो गया, एकदम सिंगल लोगों का यही होता है, खुद बना खुद खाओ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक आधा घंटा 1 घंटा के लिए मेल्ट होने के लिए दे दिए हैं, ताकि अच्छे से मसाला सोख ले। एंड गाइस, इधर चावल भी भिंगोने दे दिए हैं,
चावल ये भींग रहे हैं, तो इसके बाद हम गाइस कुछ देर बाद इसको चावल को पहले बना लेंगे, इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ चावल को बनाने के लिए हम पैन पे आग लगा दिए, पानी दे दिए। इसमें गाइस दालचीनी दीजिए, हमने तेज पत्ता भी डाल दिया थोड़ा बहुत, एंड वो नींबू जो आपने उसमें निचोड़ के दिए थे गाइस, वही नींबू का छिलका इसमें दे दिए ताकि वो फ्लेवर आए, नींबू का फ्लेवर, ठीक है। एंड गाइस देखिए गोटा गरम मसाला दे रहे हैं इसमें, दालचीनी था एंड लौंग इलायची था थोड़ा बहुत, ठीक है, ये चीज़ आप दे सकते हैं इसमें, क्या वो फ्लेवर टेस्ट आएगा इसीलिए शायद, मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं गाइस, बट आई थिंक टेस्टी बनेगा गाइस। एंड इसमें पानी उबलने तक इसको ही करते हैं, उबलने के बाद गाइस इसमें देंगे, पानी में उबाल आएगा तब अच्छी तरह से ही होगा, ठीक है गाइस। एंड गाइस देखिए पानी में उबाल आने लगा है, एंड आई थिंक उबाल आ ही गया अच्छी तरह से, तो इसमें गाइस अब मैं चावल ऐड कर देता हूँ, वही चावल जो छाना हुआ चावल था गाइस वो ऐड कर दे रहा हूँ, एंड चावल अच्छी तरह से ऐड कर दीजिए। एंड गाइस ये चीज़ कुकर में बनाने से अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती थी, बट मेरे पास कुकर है नहीं गाइस, सो मैं ये कढ़ाई में ही बना रहा हूँ, ये चीज़ मैं ऑनलाइन बाय किया था। एंड गाइस ये करने के बाद आप इसे पूरा मत कीजिए पकाइएगा, मतलब थोड़ा बहुत, एक कुकर में होता है ना एक सीटी गाइस, एक सीटी पूरा होने से पहले इसको उतार देना चाहिए था, ठीक है, गैस बंद कर, तो बट मेरे पास कुकर ही नहीं, तो इसी में हम थोड़ा बहुत पकाने का ट्राई करते हैं, एंड देखते रहिए गाइस कि नहीं होगा। एंड गाइस इसमें आप देसी घी होगा तो देसी घी दे सकते हैं, बट मेरे पास था नहीं तो आप मैं इसे ऑयली दे दिया थोड़ा बहुत ताकि चावल थोड़ा फूले फूले हो, ठीक है। एंड गाइस नमक देने में भूल गया था, तो नमक भी दे दिया इसमें, अभी नमक ऐड कर दीजिए आप इसमें, एंड देखते रहिए ताकि कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाए, मेल्ट ना हो जाए, ताकि ज़्यादा पक जाने के बाद वो थोड़ा गीला टाइप का हो जाए गाइस, तो जितना ट्राई हो कि थोड़ा कम ही हो, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोसेस गाइस, सेकंड प्रोसेस में थोड़ा और होगा इसीलिए। सो गाइस इसे छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, एंड गाइस ये लगभग हो ही गया है, देखिए आप काफ़ी फूल फूले लग रहे हैं चावल भी देखने में ही, एंड ये रहा गाइस काफ़ी अच्छा खिला है, आई थिंक हो गया गाइस, एंड थोड़ा सा हल्का टाइट होना चाहिए, बाकी ज़्यादा गीला होने से भी दिक्कत हो जाएगा वो वाला, है ना। सो गाइस इसे मैं छोड़ देता हूँ अभी, एंड अभी इसको मैं पानी छान लेता हूँ, इसका चावल अलग कर लेता हूँ इसमें, एंड इसके बाद आगे का ही करते हैं, ठीक है। तो गाइस पानी छानने के बाद मैं पैन लिए, पैन में से थोड़ा ऑयल लिए, आप मैं सरसों का तेल लेंगे इसमें, तो आप देसी घी ले सकते हैं, कोई घी ले सकते हैं गाइस, एनीथिंग आपको जो अच्छा लगे। एंड गाइस मेरे पास तो ऐसे था नहीं कुछ, तो हमने ऑयल लिए, एंड इसमें गाइस थोड़ा सा मैं बटर मिक्स कर दूंगा, ओके, आई थिंक बटर इसे मिक्स नहीं करना चाहिए था, क्या बोला तूने? तो गाइस थोड़ा बहुत दे दिए बटर, एंड इसके बाद वो जो चिकन मेल्ट होने दिए, तो वो चिकन को पूरे यहाँ पर भून लेते हैं अच्छी तरह से, तो गाइस वो दे दें दे के पूरे अच्छे तरह से। एंड गाइस इस चिकन में मैं थोड़ा सा भी पानी नहीं मिक्स किया था, ओनली दही का ही था गाइस, एंड इसको थोड़ा अच्छे तरह से हम लोग भून लें इसको, ठीक है। एंड गाइस इसमें मैं टमाटो यूज़ नहीं किया था, एंड आप चाहे तो टमाटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टेस्ट अलग रहेगा एंड थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा गाइस, एंड चाहे तो ग्रेवी ना, ग्रेवी तो होता नहीं गाइस जी में, तो बट आप टमाटो यूज़ कर सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। एंड मैं ओनली इसमें चिकन ही यूज़ किया हूँ, एग्स नहीं है इसमें, एंड देखिए काफ़ी सुंदर लुक आया है इसका, कलर ही देखिए गाइस, मैंने गाइस जितना दिख रहा है उतना मेरे को खाने का मन है, भूख भी काफी ज्यादा हो गया, पता नहीं कब तक बनेगा यार, रुको जरा सबर करो। तो गाइस ये तो बन गया, एंड मैं इसे डायरेक्ट चावल ऐड कर दिया था भूनने के बाद, इसके बाद मैं शायद सूट नहीं कर पाया कोई वजह से, तो एन भी आप उसके बाद भूनने के बाद ऊपर से चावल ऐड कर दीजिए पूरा, एंड कुछ धनिया पत्ता ऐड कर दीजिए उसमें, एंड काफी सुंदर थोड़ी देर के लिए आप उसको ऐसे छोड़ दीजिए। एंड गाइस बनने के बाद मैं वहाँ अकेले नहीं खाया, मैं वहाँ जाके रूम लेके गया, एंड इन लोग के साथ सबके साथ था, छोटी लोग थी, प्रीतम थी, चाची थी, एंड अंबर भी साथ सब, ठीक है।
एंड पता नहीं ऐसा लगेगा गाइस, आप लोग को मिल जाता तो आप लोग क्या करते हैं इसके लिए हैं? आप लोग को पसंद है, क्या करते हैं इसके लिए? जान दे देंगे इसके लिए। गाइस चिकन लेग पीस।